चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मिलाता हूँ रियल लाइफ की टार्जन कार से। सितंबर 1955 में हॉलीवुड एक्टर जेम्स टेन की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बाद में उस कार को रिपेयरिंग के लिए गैराज में लाया जाता है, जहाँ रिपेयरिंग के दौरान उसका इंजन एक मैकेनिक के पांव पे गिर जाता है और उस मैकेनिक के दोनों पांव टूट जाते हैं। कुछ समय बाद उस इंजन को एक डॉक्टर खरीदता है, लेकिन उसकी भी एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है। और एक रेसर उस कार का एक पार्ट खरीद के अपनी गाड़ी में फिट करता है, लेकिन उसकी भी रेस के दौरान एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके कुछ समय बाद एक मैकेनिक उस कार को खरीदता है रिपेयर करने के लिए, लेकिन कार को छोड़ के उसके पूरे गैराज में आग लग जाती है। बाद में वो मैकेनिक उस कार को पेट्रोल पंप वाले को बेच देता है। पेट्रोल पंप वाले उस कार को डिस्प्ले के लिए रख देते हैं, लेकिन वो कार एक आदमी के ऊपर गिर जाती है और उस आदमी की कमर टूट जाती है। बाद में उस कार को पेरिस के लिए रवाना कर देते हैं, लेकिन वो कार पेरिस नहीं पहुंचती और उसके बाद वो कार कहां गई आज तक किसी को नहीं पता चला।